नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अनंत मोहेकर में। आज थोड़ा सा नया टॉपिक है और सही में इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने टॉपिक लिखा है कि अब खेती करने वालों के ही आएंगे अच्छे दिन। सही है दोस्तों, क्योंकि देखिए आज अगर आप कोई भी फसल हो, गेहूँ हो, चावल हो, गन्ना हो, कपास हो, इनके प्राइजेस देखिए कितने ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं। आपको सोयाबीन में और कुछ क्रॉप में अगर थोड़ा सा डाउन दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आने वाला 4-5 साल में कोई भी फसल ऐसी नहीं होगी कि जिसका प्राइस दुगना नहीं हो गया होगा। कोई भी चीज़ कम होती है, अगर आप पेट्रोल की बात करोगे, पेट्रोल का प्राइस कभी कम होते हुए नहीं दिखेगा आपको, बढ़ रहा है, क्योंकि क्वांटिटी कम हो रही है, यूज़ करने वाले लोग बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही क्या हो रहा है कि ज़मीन जो है, हमारा ज़मीन का जो एरिया है, एकरेज है, वो अब धीरे 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 कम हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनको रहने के लिए घर चाहिए। आप हर कोई गांव हो, इंडस्ट्री हो, या आप कोई हर सिटी हो, उसके आजू बाजू में देखिए पूरी प्लॉटिंग ही प्लॉटिंग चल रही है। रेलवे रोड्स बन रहे हैं, देन हाईवेज बन रहे हैं, तो इसके लिए ज़मीन चाहिए। तो ज़मीन का जो आकार है वो कम होने लगा है और पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो इससे यह समझ में आता है आने वाले 5 साल में, मैं ज़्यादा भी नहीं बोल रहा हूँ, 5 साल में पॉपुलेशन बढ़ने के कारण ज़मीन की कीमतें दुगनी हो जाएगी और जितना भी प्रोडक्शन हम एग्रीकल्चर से लेते हैं उसका प्राइस भी बिल्कुल दुगना हो जाएगा। तो किसानों को धैर्य से अपनी खेती करते रहना है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते रहना है, और जितना वो खेती में इन्वेस्ट करेंगे उतना उनको ज़्यादा मुनाफा हो जाएगा। अब वो दिन चले गए कि हम खेती कर रहे हैं, हम हमारे बच्चों को खेती नहीं करने देंगे। एक समय ऐसा आएगा जो खेती करने वाला होगा, जिसके पास 5 एकड़ 10 एकड़ ज़मीन होगी, वो जॉब करने वालों से भी अच्छा मुनाफा कमाएगा। ज़रूर इसमें मेहनत ज़्यादा है, लेकिन इससे मिलने वाला फल भी उतना ही अच्छा है। तो आप एग्रीकल्चर को, खेती करने वालों को कभी भी निगेटिव मत लीजिए, क्योंकि यही है जो हमें, यही हमारा एक पालन पोषण करने वाला साधन है। आपको मैं एक बेस्ट एग्जांपल देना चाहूँगा, कुवैत जैसी कंट्री अगर हमारे देश से हजारों टन गोबर इम्पोर्ट कर रहा है, तो इससे ये पता चलता है कि सही में एग्रीकल्चर में आने वाले दिन कितने सुंदर है, कितना हमें स्कोप दिख रहा है। तो बिल्कुल डरना नहीं है, कि ज़मीन को बेचना नहीं है, ज़मीन जितनी ज़्यादा आपके पास हो उतना आपको प्रॉफिट होगा। मैं तो हमेशा मेरे स्टूडेंट को बताता हूँ कि आने वाले 10-15 साल के बाद यह कंडीशन आएगी कि ज़मीन घर बना के की जाएगी। घर बना के की जाएगी मतलब मल्टी लेयर खेती होगी। इस फर्स्ट फ्लोर पे धनिया उगाएंगे, सेकंड फ्लोर पे गोभी उगाएंगे, थर्ड फ्लोर पे बाजरा उगाएंगे, तो इस तरह से ज़रूर होगा। आप ध्यान दीजिए, मतलब हम पॉली हाउस बनाएंगे, पॉली हाउस में भी हम ट्रेज में खेती करेंगे, लेयर में खेती करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा कम एरिया पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो इससे यह समझ में आता है कि आने वाले दिनों में हम जब बोलते थे कि राजा है किसान, किसान ही राजा रहेगा, और किसान राजा था,